हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक चटपटा सा नाश्ता जो अब से पहले आपने कभी ना देखा ना खाया होगा। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 आलू हैं ये बॉईल करके छील के रख लिए हैं। अब इनको हम ग्रेट करेंगे। सबसे पहले मैंने ये छोटे वाला ग्रेटर ले लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हो। आलू हमने ग्रेट करके रख लिए हैं, इनको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम लेंगे आधा कटोरी सूजी, इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके, इसे भिगो के रखेंगे। सूजी हमने भिगो के रख दी है, इसमें थोड़ा पानी और फूलने के बाद जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे और नहीं तो इसी तरीके से बना लेंगे। अब इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने चालू कर लिया है। गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें जीरा डालेंगे हम। जीरे को भूनने देंगे। जीरा हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं 1 प्याज है ये बारीक काट ली थी, वो इसमें डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी भुन चुकी है, ये मैंने 2 हरी मिर्च है काट ली है वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इन मसालों को चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल लेंगे। आलू जो हमने ग्रेट करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। स्टफिंग बनके हमारी तैयार हो गई है। अब इस पैन में से हम इसको निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। गैस का फ्लेम बंद नहीं करेंगे। इसमें 1 चम्मच ऑयल और डालेंगे हम। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। सूजी जो हमने भिगो के रखी थी उसमें हम नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल में हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और इसको कंटिन्यू चलाना है हमें, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे इसको। जब ये पक जाएगा अच्छे से तो ये कलर चेंज हो जाएगा इसका। सूजी जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है, एक बहुत अच्छा सा डो बनके तैयार हो गया है हमारा। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। सूजी हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, हाथों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से और इस डो को इकट्ठा करके इस तरीके से जैसे आटा गूंथते हैं। अब इसमें से हमें 2-3 लोई बनानी है। लोई हमने बना के रख ली है। अब हम चकला बेलन ले लेंगे, चकले पे 1 लोई रखेंगे हम। इस तरीके से बेल लेंगे हम इसको। हमने ये बेल ली है, अब साइड में से हम इसके किनारे निकाल देंगे। अब इसमें से हम 4 पीस बनाएंगे। अब इसके चाकू की सहायता से हम इसको हटा लेंगे इसमें से। स्टफिंग जो हमने बना के रखी थी आलू की वो हम इस पे लगाएंगे ऊपर से। दूसरा पीस हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। ये पीस हमारे बनके तैयार हो गए हैं, इसी तरीके से हम बाकी बना लेंगे। सारे पीस इस तरीके से हमने बना के रख लिए हैं। चलिए अब इन्हें हम थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने दोबारा से एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम चालू कर दिया है। इसमें मैं एक चम्मच ऑयल डालूंगी, ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल जो हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें मैं सरसों के दाने डालूंगी कुछ। सरसों के दाने हमारे भुन चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इनको अच्छे से मसालों को भून लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। अभी जो हमने पीस बना के रखे थे वो एक एक डाल देंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा हम इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। नीचे से ही फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको पलट लेंगे। दो मिनट हम इधर से भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे दोनों तरफ से सिक चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। टेस्टी सा नाश्ता बनके हमारा तैयार हो गया है। देखो आप कितनी अच्छे बने हुए हैं। इस तरीके से ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हो, बहुत यम्मी लगते हैं खाने में। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।